सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू 96 के मराठा गेमिंग। जय श्री राम सबको एंड थैंक्स लॉट इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आई नो बहुत सारे लोग आज बिजी होंगे न्यू ईयर के एंडिंग के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए जो हम कट्टर सनातनी है, कट्टर हिंदू भाई है, उनके लिए आज न्यू ईयर नहीं होगा। रात को 12 बजे हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है, 9th of April 2024। सो तभी न्यू ईयर विश करेंगे। प्लीज़ मुझे कोई विश मत करना, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें मानता नहीं जो काल्पनिक हो। सो आज हम लीक्स लेके आए हैं A5 रॉयल पास का। पबजी में ये पहले आने वाला है, उसके बाद में BGMI में आएगा, क्योंकि अभी तक तो BGMI में A4 रॉयल पास ही नहीं आया। तो मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ा ग्लिम्स ऑफ A5 रॉयल पास लेके आया जाए। ये है विक्ट्री डांस। विक्ट्री डांस हमेशा एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहा है। अभी वो एक्सपीरियंस इतना ऊपर लेके जाके रखा हुआ है ना उन्होंने, कि अभी इसके नीचे हम कुछ सोच ही नहीं सकते। सो ये रॉयल पास का लीक्स है बेसिकली। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये फियरी लस्टर का इमोट है, आई डोंट नो ये अगर 100 लेवल सूट का अगर इमोट होगा तो देखते हैं। यहाँ पे मतलब कुछ अच्छा चीज़ें दिया हुआ उन्होंने, बट अननेसेसरी भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि स्कूटर का स्किन दिया है। हो सकता है एरंगल में स्कूटर आएगा एंड बस का स्किन दिया है। तो हम स्टार्ट करते ही हमारा 1 to 100 का रॉयल पास रहेगा, जिसे ब्रेक करके आप 50-50 में भी ले सकते हो 360 UC में। सो देखते हैं, ये फर्स्ट लेवल पे हेड गियर और ये फैटल फॉक्स सेट। इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे, बट ठीक है। वैसे भी लेवल 1 का कपड़ा कौन ही पहनता है। सो मेरे लिए तो एक्सूट ही है सब कुछ। मैं जब भी पहनता हूँ एक्सूट ही पहनता हूँ। सो अभी हम आगे चलते हैं तो देखते हैं। यहाँ पे सब वही छोटी मोटी चीज़ें हैं, UC सिल्वर कॉइन। यहाँ पे हमें एक गन की स्किन मिल रही है, PP बाइसन। ये सिमिलर लग रही है जो हमें पहले मिल चुकी है रॉयल पास में स्किन, उसके सिमिलर ही है। सो आई डोंट थिंक इसका कुछ एक्साइटमेंट होगा बंदों में। जिन्होंने नहीं लिया होगा रॉयल पास उनके लिए श्योर लिया होगा। ये है डिजी स्पिन, एक अच्छा खासा इमोट दिया है इस बार फ्री वाले इसमें। अब तक तो कभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अच्छा इमोट दिया होगा। सो आप बताना कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है आपको ये इमोट। और ये हमारा एनिग्मैटिक नाइट प्लेन स्किन फिनिश। सो ओके है, इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। देखते हैं आगे क्या है। सो ये हेलमेट की स्किन है हमारी, किट्सुने ओमेन हेलमेट। आप बताना कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है आपको। ये लेवल 1 की स्किन है, लेवल 2 की ऐसी दिखती है, और बेसिकली कुछ खास नहीं लग रही यार। लेवल 1 भी सेम, लेवल 2 भी, इतना कुछ मैसिव अपडेट नहीं है। लेवल 3 में तो यूजुअली है, नहीं मज़ा नहीं आ रहा मोदी जी की भाषा में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे पैराशूट की स्किन, किट्सुने ओमेन पैराशूट। ओके फिर से मैं कहूँगा, ओ मिथिक फॉर्ज का जो मिनी फॉर्ज है वो मिल रहा है। मिलेगा तो बट ऑब्वियस अच्छी बात है, क्योंकि गन स्किन्स भी आने वाली है। और ये Win 94 की स्किन, क्या ज़रूरत है भाई। फेटल फॉक्स Win 94, कौन यूज़ करता है Win 94 भाई। मेरे साइड में अगर एक घटिया गन हो और Win 94 हो तो मैं वो घटिया गन यूज़ करना पसंद करूँगा, बट Win 94 बिल्कुल नहीं। और ये हमारा लेवल 30 का एक मैथिक इमोट, साइबर फाइटर। अच्छा लग रहा है कि मतलब फ्री वाला मुझे इससे बेहतर लग रहा था, इसमें इतना कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे। बट ठीक है, जब अनटिल एंड अनलेस जब तक हम रॉयल पास ले रहे हैं और हमें फ्री में मिल रहा है, कोई बात नहीं, सब आने दो भाई। और मिनी मटेरियल्स मिल रहे हैं। सो ये हमारा लेवल 40 का ड्रेस, साइबर फाइटर सेट। ओके ही लग रहा है मुझे, इतना कुछ खास लग नहीं रहा। और ये उसका मास्क, साइबर फाइटर मास्क। आप बताना मुझे कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक मतलब वैल्यू नहीं लग रहा है मुझे अभी तक तो। फिलहाल लगा नहीं कि कुछ ओवरवेलमिंग होगा कि ये रॉयल पास लिया जाए। तो देखते आगे,
हमारा तो काम है, हम यूट्यूबर्स हैं, हमें लेना पड़ता है, मैक्स भी करना पड़ता है, आप लोग बताना आप लोगे या नहीं। सो यहाँ पे और एक मास्क दिया जा रहा है, साइबोर्ग एवेंजर मास्क, मतलब क्या ज़रूरत है लेवल 45 पे, एक ड्रेस दे देते यार। जिन बंदों के पास फ्री में अगर कुछ मिल जाता है तो खुश हो जाते लोग। और ये है लेवल 50 पे हमारी पैन की स्किन, जो कि है अपग्रेडेबल। आपको दिखाऊंगा मैं आगे अपग्रेड कैसे करते हैं और उसका किल फीड वगैरह कैसे होगा। मैक्स लेवल पे देखो, मतलब ब्लू दिख रही थी पहले लेवल 1 पे और अभी फुल रेड हो गई है। किल फीड देखेंगे हम इसका, किल फीड में मतलब अच्छी तो लग रही है, यस किल फीड अच्छा लग रहा है। और अपग्रेडेबल है तो मतलब मुझे आप लोग बताना कमेंट्स में कि कितने किल्स आप पैन से करते हो, क्योंकि बेसिक अपीयरेंस अच्छा लग रहा है बट ऑब्वियस वॉयलेट कलर का है। एडवांस फॉर्म भी जो 5 मिनी मटेरियल्स से निकलता है उसके लिए भी मुझे लगता है कि रेड हो जाता है डायरेक्टली, तो वर्थ है, यहाँ तक वर्थ है। किल फीड भी मतलब जहाँ तक हमारे पास अपग्रेडेबल गन्स की स्किन एंड मेले वेपन्स की स्किन्स होती है तो उस हिसाब से ठीक ठाक है। क्योंकि देखो बट ऑब्वियस सी बात है, पैसे दिए होते BGMI को तो पैसे में अच्छा मिलता था, ये फ्री में मिल रहा है तो ऐसे ही मिलेगा भाई, BGMI से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये हमारा लेवल 55 का इमोट। सो फ्री वाला जो पहले वाला था मुझे वही पसंद आया टू बी फ्रैंक, ये पपेट जॉय इतना कुछ खास नहीं। देन आती है हमारी शिनोबी आर्मर S686, हाँ आई थिंक मेरे पास स्किन है इससे S686 की, बहुत अच्छी वाली है तो आई डोंट थिंक कि मैं ये यूज़ करूँगा, बट स्टिल बाकी जिनके पास नहीं है उनके लिए बट ऑब्वियस एक अच्छी चीज़ है कि कुछ ऐसा दिया करो कि जो रिपीट ना हो, लोगों की यूज़ आए। और ये हमारी गोल्डन ग्लेज बैकपैक, सॉरी गिल्डेड ग्लेज बैकपैक, लेवल 1 लेवल 2 की लुक देख लो, लेवल 3 की भी देख लो, ठीक ठाक। आप मुझे बताना कैसे कमेंट में कि अच्छी है नहीं, क्योंकि जो लोग पहली बार ऑयल पास ले रहे या जिन्होंने नहीं अभी तक कुछ स्क्रीन्स वगैरह नहीं थी तो उनके लिए तो बट ऑब्वियस अच्छी होगी ये बैकपैक। और ये ऑर्नामेंट पटाखों वाला ऑर्नामेंट, एवेटार भी देख लिया हमने, इतना कुछ खास नहीं था। साइबॉर्ग एवेंजर सेट, सो आई थिंक ये पूरा थीम बेस्ड है रॉयल पास, एक ही थीम के पीछे रोटेट कर रहा है पूरा सब कुछ। सो रेंडियर की स्किन आ रही है उसमें, हाँ ये साइबॉर्ग एवेंजर मास्क और दोनों वो सेट, मुझे अभी समझा कि वो रिलेटेड है एक दूसरे से। और यहाँ पे हमारी नाइट योंडर बस आने वाली है, बस की स्किन आई डोंट थिंक मीरामार के अलावा या फिर जो हमारा स्नो वाला मैप था, सर मैं खेला नहीं बहुत टाइम से रिलीज, सॉरी तो मैं आपका नाम याद नहीं आ रहा, बट उसके अलावा बसेस कहीं नहीं मिलती मुझे लगता है, तो ज़रूरत क्या है। एरंगल में आने वाली होगी तो बात अलग है। सो ये हमारे पिस्तौल की स्किन है, फ्लटर पिंक P1911, ये स्मोक ग्रेनेड की स्किन लेवल 80 पे, थॉम्सन की दिखानी चाहिए थी, थॉम्सन की। सो ये हमारा लेवल 80 का इमोट जो हमने पहले देखा था, ये पैन का इमोट है बेसिकली, फियर एलस्टर। सो हाँ मतलब ये 100 लेवल ड्रेस का ही इमोट है, मैंने राइड गेस किया था स्टार्टिंग में। सो देखते हैं और अभी एक्साइटमेंट कुछ है क्या। ओके M762 की स्किन, ओ माय गॉड, फोर्ट फील्ड गोल्ड M762, बट ऑब्वियस अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है भाई, अच्छी लग रही है। जिनके पास स्किन्स नहीं है, M762 की स्किन नहीं है, वो लोग के लिए तो बट ऑब्वियस अच्छी होगी और उनके लिए ये रॉयल पास लेना वर्थ होगा। और ये हमारा 100 लेवल का सूट देखो, फियर लस्टर सेट लेवल वन, ओके हाँ तो ये भी मतलब रिकलरिंग कर सकते हैं हम इसका लेवल 3 तक, तो आपको तो पता ही है जो हमेशा यूजुअली A1 रॉयल पास से आ ही रहा है, जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो कार्ड से हम रिकलरिंग करके, मतलब क्या मतलब मैं
यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि M762 और सेट एक साथ आ जाए, बट नहीं ले रहे। तो ये रीकलरिंग के लिए हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, Level 1, Level 2, Level 3, एंड तीन सेट होते हैं। आप तीन कलर्स में इसको अलग अलग कलर में आप कलर कर सकते हो। कार्ड्स जितने होंगे आपके पास उसके बेसिस पे आप कलरिंग कर सकते हो। सो ये लेवल वन पे हमने थोड़ा चेंजेस करके देखा। ये लेवल टू पे इतना कुछ खास नहीं, वैसे ड्रेस खास है, बट कलरिंग के लिए भाई आप लोग जीनियस हो। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है लॉबी में जो 100 लेवल के ड्रेसेस रहते हैं। हैट्स ऑफ टू यू है। जितना बीजीएम मैंने कभी सोचा नहीं होगा उतने वैरायटीज में आप लेके आते हो वो सेट। तो भाई आप लोगों के आगे कोई नहीं बोल सकता। सो हैट्स ऑफ टू यू। होप कि हमें भी यहाँ पे ये ड्रेस के साथ भी कुछ बहुत से अच्छे डिज़ाइन या फिर कलर्स देखने मिलेंगे। सो ये था हमारा रॉयल पास A5 के लीक्स। हमें मैट तमीज़ा ने ये लीक्स प्रोवाइड किए हैं, सो थैंक्स अ लॉट उनको। और ये हमारा फैटल फॉक्स कवर, ये आई थिंक जो 100 लेवल के बाद आती है UC में। सो ये सारी चीज़ें हैं, या फिर हो सकता है कि वो क्रेट में भी आए। तो ये हेड गियर, फैटल फॉक्स कवर, ये सारी आई थिंक RP की ही है। हाँ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये RP के अंदर आने वाली सारी चीज़ें हैं कंसोलिडेटेड। तो आप एक बार एक फाइनल लुक देख लो सारी चीज़ों का जो जो आपको मिलने वाला है इस रॉयल पास में। सो मुझे तो बेसिकली मैं बोलूँ ना तो M762 की स्किन अच्छी लगी जिनके पास नहीं है, और लेवल 100 का जो सूट है अच्छा है बॉस, मतलब इतना भी बुरा नहीं बोल सकते इसको। बस फीमेल ओरिएंटेड 100 लेवल का सूट आ रहा है कुछ टाइम से, BGMI ने वो ध्यान देनी चाहिए कि इतना भी ओवर ना कर दे कि मतलब कोई मेल कैरेक्टर ओरिएंटेड अगर ड्रेस नहीं दे रहे हो तो लोग रॉयल पास लेना ना बंद कर दे। ये इमोट के बारे में पहले बोल रहा था, डिजी स्पिन जो फ्री में मिल रही है और इतना ही ऑसम है। स्कूटर की स्किन है यहाँ पे, पैराशूट की स्किन है, हेलीकॉप्टर की स्किन जो परचेज करनी पड़ेगी, आई डोंट थिंक फ्री में मिलने वाली है। और ये हमारा विक्ट्री डांस, इसे भी अपग्रेड करना पड़ेगा हमें जो वो स्टिक्स होती है उसके साथ। बट अच्छा है, आप बताओ मुझे कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है ये। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये विक्ट्री डांस। मैं बट ऑब्वियसली इसको ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट लेवल अपग्रेड किया जाए। सो आई थिंक हाँ, वो पहला लेवल का था और ये शार्ड्स के साथ अपडेट करने के। ओह माय गॉड, इफेक्ट्स देखो, इफेक्ट्स कितना मज़ा आ रहा है। यस, सो इसी के साथ आई थिंक हमारा A3.0 का अपडेट आने वाला है। सो ये पूरा एक थीम बेस्ड है, क्योंकि जो अभी स्वॉर्ड्स वगैरह हमने देखी है निंजा स्वॉर्ड्स है, एंड यही थीम बेस्ड, मतलब हमें एक स्वॉर्ड भी आने वाली है गेम में जिसे आपने देखा होगा। मैं ज़रूर एक ट्राई करूँगा कि 3.0 का एक अपडेट का लीक्स डालूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए ये पूरा रॉयल पास और वो थीम बेस्ड हमारा जो अपडेट आने वाला है 3.0 का। बट ऑब्वियस 1.0 के बाद जब 2.0 आया कुछ अच्छा खासा अपग्रेड हमें देखने मिला था, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, बिल्डिंग्स रिवैम्प की गई थी, बहुत सारी चेंजेस हमने देखी थी, जैसे कि मिल्टा पावर में हमने देखी, मिलिट्री बेस में देखी। अभी हम सपोज कर रहे हैं कि 3.0 के साथ भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। हमारी 3-storied बिल्डिंग जो है मल्टी स्टोरी, वो सिर्फ 2-story की गई है, तो वो देखने के लिए एक अच्छा लगेगा। क्योंकि हम अपार्टमेंट वगैरह पे जब रश करते थे तो 3-3-storied बिल्डिंग होती थी, वो अभी जब 2-storied बिल्डिंग ही रहेंगी तो आई डोंट नो कि लोगों को मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, वो तो उनके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड रहेगा। सो ये हमने सारी जो वही चीज़ें थी जो हमने रॉयल पास में देखी, वही एक क्लोज़र लुक आप देख लेना। मैं बात किए जा रहा हूँ क्योंकि मैं वापस इसको नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि हमने वो देख ली है चीज़ें। तो आप मुझे बताना कि कैसे लग रहा है। पैन की स्किन बट ऑब्वियस अच्छी है, किलफीड भी अच्छा है, सो नो डाउट कि मैं अपग्रेड करूँगा। बट कुछ लोग बट ऑब्वियस अपना बचाना चाहेंगे गन मटेरियल। ये देखो प्लेन की फिनिश, इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। देन हेलीकॉप्टर की स्किन फ्री में दे देते तो अच्छी बात थी, बट आई डोंट थिंक ये फ्री में आएगा क्योंकि ये UCs के परचेज किए बिना नहीं देंगे। ये स्कूटर की स्किन है, यस 3.0 के अपडेट में एरंगल में स्कूटर आने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्किन दी गई है। सो ये लीक से पता चला है हमें।
तो बस के रिलेटेड कोई लीक नहीं आई है अभी तक कि बस आने वाली है नहीं, बट आई होप कि एरंगल में ये बस आने वाली होगी, वरना स्किन नहीं देते थे। एंड जो मोड्स लोग खेल नहीं रहे हैं उसको आजकल सारी व्हीकल जो यहाँ पे डाली जा रही है एरंगल में, मॉन्स्टर ट्रक हो गया एंड बाकी कार्स भी हो गई, सो ये भी आएंगी सपोज कर रहे हैं हम। ये इमोट्स थे पैन के साथ वाला, और ये साइबर फॉर्ज सेट, ये फ्रेम है हमारी, एवेटार देख लो, और ये सेट है पूरा। सो आप बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा है आपको, और आप एक्साइटेड हो कि नहीं AFI के लिए, आप लोगे या नहीं ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड देखते हैं अभी आगे क्या है। सो अगेन हमें ये लीक्स मैट तमीज़ा भाई ने दी है, सो प्लीज़ उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करना। और ये ये जो हमारे रैंक पुशिंग के लिए जो रिवॉर्ड्स होते हैं, सो ये सारे रिवॉर्ड्स है, एवेटार है, फ्रेम मिल रही है, M24 मिलने वाली है इस बार, जो रिवॉर्ड्स है रैंक पुश के लिए। सो आई होप आप लोगों को, और ये ड्रेस भी अच्छा लग रहा है मुझे इन शॉर्ट। सो आप बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रही है सारी चीज़ें, और आप कौन सी चीज़ों के लिए एक्साइटेड हो ये भी प्लीज़ मेंशन कर देना। M24 भी बहुत अच्छी लग रही है, जब तक फ्री मिल रही है बॉस सब ले लो, तभी कुछ कंप्लेंट्स नहीं करनी, फ्री मिल रही है समेटे जाओ लिए जाओ। और बट ऑफ दिस यार स्किन, बट ऑफ गेम गेम की तरह खेलने के लिए होना चाहिए, पैसे खर्च करने के लिए नहीं होना चाहिए। जबकि BGMI हमें पता ही अभी क्या कर रहा है, यूजुअली गेम पे फोकस कम है, हैकर्स बढ़ रहे हैं, ग्लैक्स ग्लिचेस बहुत है, सो देखते हैं कब फिक्स होगा। और ये हमारा सीजन रिवॉर्ड्स है, बेसिकली साइकिल 6 के लिए ये कवर हेड गियर बोल सकते हैं हम, उसका ड्रेस भी बहुत मस्त है, ये हमें एक प्रॉपर स्पाइडरमैन बोल सकते हैं, आप मुझे बताना कमेंट्स में। मेरा तो एस्टिमेशन वही है कि स्पाइडरमैन सूट लग रहा है मुझे, बट ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन ने जैकेट पहन लिया। आप बताना आपको कैसे लगा ये ड्रेस, और होवरबोर्ड भी दिया गया जो कि अच्छी चीज़ है। सो प्लीज़ ये लीक्स हमें जिन्होंने प्रोवाइड की है मैट तमीज़ा भाई ने, उनको स्पेशल थैंक्स, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय श्री राम एंड थैंक्स लॉट।